कस्बा थाना क्षेत्र के कुसा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। इस संदर्भ में गांव के लोगों का कहना है कि इस जमीन पर वे लोग पुश्तैनी खेती करते आ रहे हैं और अब गांव के ही कुछ लोग जलकर में डालकर इस जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जिससे दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। शिकायत मिलने पर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने दोनों पक्षों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए धारा 144 भी लगा दी है। अभी क्या छोटा बाबू का था इंक्वायरी में देख करके आया है, सही अदालत वो लिख करके दिए, हम लोग ये रोपा है उसमें या नहीं है। आप लोग सीओ से यहाँ के नहीं मिले अंचल में? सीओ का तो हम लोग का प्रस्ताव दिया है, सीओ साहब तो 7 बरस पहले दिया था लिख करके कि तुम लोग जहाँ रोकते हो रोकते रहो, उन लोग जहाँ मछली मारता है जहाँ पानी रहता है वहाँ मछली मारे, तो हम लोग सुखा में रोकते हैं। वो लोग कौन है, वो लोग कौन है जो मालदार? मालदार है। क्या नाम है उसका? टिब्बू मालदार, मालदार, करते हैं। पर जो हबीब का घर के सामने और हलीम उसके आगे में ये ढीब है, उसी में हम लोग खेती पूर्वों से करते ही आ रहे हैं। क्या चीज का खेती होता है उसमें? हम लोग धान पाट करते हैं। अच्छा, तो आप लोग के पास क्या जमीन नहीं है? नहीं, हम लोग भूमि, हम लोगों को सरकार देखा जाए कि किसी के पास भी 10 डिसमिल जमीन नहीं है। तो आप लोग क्या इसी पे निर्भर रहते हैं? हाँ, बस इसी में हम लोग जो भी होता है या साल भर 6 महीना इसमें जो बच्चे को हम लोग जो जीवन परवस्ती करते हैं। तो अभी समस्या क्या है यहाँ? अभी है जो इसमें हम लोग अरब लगा दिया है, इस बार हम लोगों को बिचन है जो ये ठंडी लेकर है जो गल गया है उसमें है जो आकर वो लोग मखानों है जो गाड़ दिया है। अच्छा, ये बताइए क्या अभी समस्या यहाँ पर है? हम लोग का बाप दादा जो है ना सर, कम से कम बरसों से काम करते करते आता है इसमें। धान का खेती हम लोग सिर्फ एक ही खेती होता है इसमें, फसल होता है सर। इस फसल लेके हम लोग, पिताजी भी हम लोग का गुजर गया, दादाजी भी गुजर गया, अब उसका बच्चा हम लोग हैं। कौन गांव है ये? सुसा गांव हो गया सर, हलीम का घर से लेके सतार का घर तक, अब बाकी उधर देंगाधार बोला जाता है। अच्छा, गांव के कितने लोग इसमें खेती करते हैं? हम लोग गांव का खेती इसमें कितना करते हैं, 40-50 आदमी से ऐसे हम लोग करते हैं खेती। इस खेती से जो भी बनता है सर, हम लोग पेट पालन करते हैं, इसी से बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, बाकी हम लोग के पास कुछ ही जमीन नहीं है। अभी तो कहीं कहीं पानी देखा जा रहा है, आप क्या जानते हैं क्या मामला? हम लोग सर जानते हैं कि तकरीबन 100 साल से ऊपर उसमें हम लोग खेती करते हैं। अच्छा, उसमें खेती करते हैं तो उसमें केस भी चला था, हथेरी भी हुआ था, मारपीट विवाद केस भी चला, उसमें 3 मालदार जेल भी गया, तो जेल गया, जेल के बाद उसमें आकर के उसका नाम बताइए ना जो बदमाशी करता है, जो बदमाशी शिबू मालदार और वीरेन मालदार, लक्ष्मण मालदार। कब से आप लोग उस पर खेती करते हैं? 100 साल से ऊपर है हम लोग का बाप दादा सब 100 साल। सरकार कोई लिखित दिया आप लोग? सरकार लिखित दिया है कि जो सीओ साहब गया, सीओ साल 7 साल पहले गया तो लिखित दिया कि चलो जो जहाँ करता है वो वहाँ करो, जो मछुआ जहाँ मच्छी मरता है उसको वहाँ मरने दो, और उसके बाद जो तुम लोग खेती करता सूखे सूखे में तुम लोग रोपा लगाओ। हम लोग इसमें जो पूर्वक से खेती करते हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्या समस्या हुई है? और अभी है जो इसमें है जो हम लोगों को महंदार लोग अरब लगा दिया है कि ये जलकर है, तुम लोगों को खेती कर ले नहीं देंगे, और हम लोगों को बाप दादा जो है 100 साल से खेती करता है, उसके हम लोग बच्चा है जो उसका जो हम लोग उसमें है जो अभी खेती कर रहे हैं, और मछली लोग ये महंदार लोग है जो उसमें अरब लगा देता है कि ये मेरा जलकर है। इसमें हसेरी हुआ था, हसेरी में है जो हम लोगों को सीओ साहब जो लिखित दिया है। सर, एक जमीन का मामला आया है जो गोरी लोग इसको परेशान कर रहा है, सरकारी जमीन है, ये लोग बरसों से उसमें खेती करता आ रहा है, मामला क्या है, कौन दिया आवेदन और क्या मामला बताया? इसमें शिबू महलदार आवेदन दिया है जी, जो कुशा में लोग जो जो सब थी लोग हैं जो खेती काफी दिनों से करते आ रहे हैं दादे परदादे से जी जी, और ये शिबू महलदार लोग जो मछली का जो ठेकेदारी वगैरह होता है वो ठेकेदारी लिया है, उसने बोल रहा है कि हमारा ही होना चाहिए खेती वगैरह, यही मामला है।
दोनों पक्ष में इसने कार्रवाई। तो सरकार के द्वारा इसको कोई कागज भी निर्गत किया गया है क्या? सरकार के द्वारा नहीं है, वहाँ पर केस मुकदमा ऐसे चला है, सीओ साहब वगैरह ऐसे बोले हैं कि जैसे कि इसमें जो जहाँ जो अपना जिस तरह जिस तरह कर रहा है वो अपना फिलहाल उसमें कोई विवाद नहीं करेगा, करते रहेगा।